दूर दूर से यहाँ घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। वाटरफॉल का जो पानी है वो बहते हुए आ रहा है। चैनल के सब्सक्राइबर भाई लोग मिले हैं आरंग से। भाई घर पहुँच के तुम्हारा गाड़ी भरना पड़ेगा। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सफर छत्तीसगढ़। आज मैं आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ सिरपुर का एक खूबसूरत सा वाटरफॉल, दसकुंड वाटरफॉल, जो कि प्राकृतिक नज़ारों के बीच स्थित है, और एक बरसाती झरना है दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत वाटरफॉल है। तो वीडियो में बने रहिएगा, आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं महासमुंद, और यहां से दसकुंड वाटरफॉल की दूरी मात्र 30 किलोमीटर और बचा हुआ है दोस्तों। तो आप वीडियो में बने रहिए, आज आपको दसकुंड वाटरफॉल का खूबसूरत नज़ारा दिखाने वाला हूं। और दो तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, जिसके बाद देखेंगे कि वाटरफॉल का नज़ारा कैसा है। अभी हम पहुँच चुके हैं पीड़दा गाँव, जो कि सिरपुर एरिया तरफ पड़ता है, और यहाँ से दसकुंड जो वाटरफॉल है मात्र 25 से 30 किलोमीटर और बचा हुआ है। मैं पहुंच चुका हूं सिरपुर एरिया में, और यहां से दसकुंड वाटरफॉल की दूरी लगभग 15 से 20 किलोमीटर और बचा हुआ है। तो देखिए यहां पर सभी हम लोग पहुंचे हैं। यहां बोर्ड लगा हुआ है, ये बोर्ड में लिखा है कि इधर हाथी आता है करके। और सिरपुर एरिया में तो आप हाथी आता है जानते ही होंगे, काफ़ी सारे पेपर वगैरह में छपता है, न्यूज़ में आते रहता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आप ब्लॉग में बने रहिए, आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ दसकुंड वाटरफॉल, शायद गोपाल भाई का भी फर्स्ट टाइम है। हाँ मोरो फर्स्ट टाइम है भाई। वाटरफॉल बहुत बड़े है, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं वहाँ जाए के। और अभी पानी गिरा है गाइस दो तीन दिनों से लगातार, तो शायद वाटरफॉल का नज़ारा देखने को मिल सकता है। ये पहुँच चुके हैं सिरपुर, और ये खूबसूरत नज़ारा देखिए, सूरज भी है मेरे ख्याल से। और इधर है राइट साइड की ओर गंधेश्वर नाथ महादेव मंदिर, इधर आते समय रुकेंगे, अभी चलते हैं वाटरफॉल की तरफ। दोस्तों देखिए ये है राम मंदिर सिरपुर का, और जस्ट थोड़ा सा आगे में है लक्ष्मण मंदिर। यहाँ पर है लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का, जो कि ईंटों से बना हुआ है, प्राचीन ईंटों से, ये देखिए। लेकिन इसको अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, फिलहाल हम अभी वाटरफॉल कवर करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से बार नौपारा की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है, नारायणपुर 43 किलोमीटर, मल्हार 88 किलोमीटर, और सिवनी नारायण जो है वो 83 किलोमीटर की दूरी पर है। नया साल का टाइम है, इसलिए काफ़ी सारे लोग पिकनिक मनाने के लिए, घूमने के लिए आते जा रहे हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है दसकुंड वाटरफॉल, देख सकते हैं ये तीर का निशान दिया हुआ है, वहाँ जो रास्ता है वहाँ से जाना है अपने को दसकुंड वाटरफॉल के लिए। चलिए चलते हैं, आप ब्लॉग में बने रहिए, और यहाँ से घूमना है दसकुंड वाटरफॉल के लिए दोस्तों। देखिए पूरा जंगली रास्ता है, जंगल वाला रास्ता पार करके जाना पड़ेगा वाटरफॉल तक, और 3 किलोमीटर तक अंदर जाना पड़ेगा अपने को। देखते हैं कि वाटरफॉल कैसा है, क्योंकि मैं भी पहली बार जा रहा हूं दसकुंड वाटरफॉल, और प्राकृतिक नज़ारों के बीच खूबसूरत सा सिरपुर का ये वाटरफॉल है। पूरा जंगली वाला रास्ता है दोस्तों, देखते हैं कि अपना बाइक कहाँ तक जाता है। इसी रास्ता में भालू उलू दिख गए यार, अब तो हो गए फिर। बहुत कम ही लोगों का आना जाना होता है, वही लोग ही आते हैं जो पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं वही लोग। क्षेत्र महासमुंद लिखा हुआ है, यहाँ से दो रास्ता है, लेकिन आपको सीधा जाना है वाटरफॉल के लिए। तो देख सकते हैं गाइस पूरा ऑफ रोडिंग है, पूरा कीचड़ वाला रोड है, क्योंकि बारिश हुआ है इसलिए कीचड़ हो गया इधर, और पूरा ऑफ रोडिंग है। तरह से रोड आपको पार करके जाना है जंगलों के बीच में। ये थार है, और पूरा सकरा रास्ता, पूरा ऑफ रोडिंग है। अभी गोपाल भाई गाड़ी चला रहे हैं मेरा, वो चश्मा टूट गया, वो हेलमेट टूट गया, पता नहीं कहाँ का टूट टूटा बाकी है। इस तरह का जगह दोस्तों बहुत ही खूबसूरत लगता है मुझे, और जंगलों के बीच में ये प्राकृतिक वाटरफॉल देखने में बहुत ही मज़ा आएगा। यहाँ से रास्ता दोस्तों दो ठोक है, दो रास्ता है गाइस, इधर नहीं जाके आपको इधर जाना है, और ये रास्ता तो आप देख सकते हैं पूरा कीचड़ ही कीचड़ है। हाँ उतरो उतरो डाउन, अपना कैमरा दे दो बंद करो, रोडिंग है पूरा कीचड़ ही कीचड़, ये देखिए पूरा कीचड़ वाला रास्ता है गाइस। इस
तरह से रास्ते से होकर गुजरना पड़ रहा है। अरे भाई घर पहुँच के तुम्हारा गाड़ी धोना पड़ेगा, इतना ज़्यादा ऑफ रेडिंग है, पूरा पत्थर ही पत्थर और कीचड़ ही कीचड़ वाला रास्ता मिल रहा है। घर देखिए पूरा जंगलों के बीच में इस तरह से राइडिंग करने में अलग ही मज़ा है। यहाँ से भी दो रास्ता है भाई, लेफ्ट जाना है कि राइट, देखना पड़ेगा, वहाँ पर बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है। गाइस यहाँ से दो रास्ता है और इन दो रास्ते में अभी पता करना पड़ेगा कि किधर जाना है, आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा है इस मार्ग से आने जाने वाले सभी जनता को सूचित किया जाता है कि फसल को जानवरों से सुरक्षा के लिए झटका तार करंट सड़क के दोनों ओर लगाया गया है, तो छूने का प्रयास बिल्कुल भी मत कीजिए। सड़क के दोनों साइड ना वो जो तार दिखाई दे रहा है आपको, इसमें करंट लगाया गया है जानवरों से फसल का सुरक्षा करने के लिए। और दोस्तों इसी बोर्ड में लिखा हुआ है झरना जो है वो राइट साइड की ओर है इस वाले रास्ते पर, और बांध मतलब डैम जो है वो इस वाले रास्ते पर है। तो चलते हैं झरना की तरफ पहले और आप लोगों को दिखाते हैं सिरपुर का प्राकृतिक झरना। फिलहाल आप ध्यान रखिए अगर आप इस रोड पर आते हैं और रुकते हैं तो तार को बिल्कुल भी मत छूए, इसमें करंट है, फसलों को बचाने के लिए करंट लगाया गया है। इधर खेत है पूरा हरा हरा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। दोस्तों आप जब भी धसकुंड वाटरफॉल की तरफ आते हैं तो शाम होने से पहले यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि जैसे जैसे शाम होते जाता है वैसे वैसे जंगली जानवरों के आने का खतरा बढ़ते जाता है। अब यहाँ से भी दो रास्ता पड़ रहे हैं, कोई नहीं है, पूरा सुनसान, देखना पड़ेगा। यहाँ भी बोर्ड लिखा हुआ है दोस्तों, बोर्ड में देखते हैं। दो रास्ते में आपको पहचानना कैसे है कि ये मंदिर के पास जैसे ही आप पहुँचेंगे आपको दो रास्ते पड़ेंगे, एक इधर जाता है और एक उधर जाता है। तो वहाँ पर बोर्ड लिखा हुआ है, बोर्ड में देखते हैं। धसकुंड झरना में ज़्यादा पानी बहाव होने पर झरना के पास ना जाए, और कुछ कुछ दिशा निर्देश जो लिखे हुए हैं आप पढ़ सकते हैं। झरना स्थल पर गंदगी ना फैलाएं, देर शाम तक यहाँ ना रुके क्योंकि हाथी और भालू और जंगली जानवर इधर आते हैं। बोर्ड में देख सकते हैं आप, तीर का निशान इधर दिखा रहा है, तो इधर चलते हैं, वाटरफॉल इधर ही है। सामने देखिए दो कार जा रहा है, मतलब बहुत सारे लोग इधर पिकनिक मनाने के लिए भी आते हैं। अभी वाटरफॉल के पास जब जाएंगे तो पता चलेगा कि कितने लोग इधर पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं और आते हैं। फोर व्हीलर भी इधर आ सकता है, कार खड़ा हुआ है, तीन चार, मतलब पार्किंग एरिया है क्या? पार्किंग एरिया होगा मेरे ख्याल से। पिकनिक करके राइट साइड निशान दिया है, देखिएगा इधर आप पार्किंग वगैरह कर सकते हैं अपनी गाड़ी को। और काफ़ी सारे लोग पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं, को भी यहीं रखना पड़ेगा क्या गाड़ी? जब तक गाड़ी चलती है। बोर्ड में क्या लिखा है देखते हैं, बोर्ड में लिखा हुआ है। तो झरना के बारे में दोस्तों यहाँ पर भी कुछ चेतावनी लिखा हुआ है जिसे आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ये देखिए पूरा लिखा हुआ है। और ऊपर में झरना के बारे में इतिहास लिखा हुआ है कि झरना को कौन सा झरना बोलते हैं, पूरा चीज़ लिखा हुआ है कहाँ पर। लगभग हम लोग धसकुंड वाटरफॉल तक पहुँच चुके हैं और ये वाला रास्ता जो है वो पूरा धसकुंड वाटरफॉल तक जाता है। कुछ ही मीटर तक अभी ट्रैकिंग करके जाना होगा और यहाँ से अब गाड़ी नहीं जा पाएगा, इसलिए मैं गाड़ी अपना यहीं पर रख रहा हूँ लॉक करके। इसके साथ ही काफ़ी सारे हमारे सब्सक्राइबर भाई लोग आए हुए हैं, तो चलिए मैं आपको उन लोगों से मिलाता हूँ। ये काफ़ी सारे भाई लोग आए हुए हैं, भाई हमारे पास 100 मीटर और बाकी है। आरंग से अच्छा घूम ले झरना, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। पानी बस कम है अभी, पानी कम है। तो यहाँ से लगभग 100 मीटर तक आपको पैदल चलकर जाना होगा और जैसे ही जैसे आप अंदर जाएंगे आपको खूबसूरत नज़ारे दिखाई देने लगेंगे। इधर आप देखेंगे तो जो वाटरफॉल का पानी बहते हुए आता है वो दिखाई देगा, वहाँ पर पूरा वाटरफॉल का पानी बहते हुए आ रहा है, हल्का हल्का पानी का भी आवाज़ आ रहा है और पता नहीं वाटरफॉल में पानी है कि नहीं, ये चीज़ देखना पड़ेगा। बाकी जो ये वाटरफॉल है ये तो बरसाती झरना है, बरसात के टाइम यहाँ बहुत ज़्यादा पानी रहता है, देखते हैं अभी किस तरह से है। लगभग टाइमिंग की बात करूँ दोस्तों तो दोपहर के 2 बज रहे हैं। अरे लोग आते हैं दूर दूर से यहाँ घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर पिकनिक मनाया जा रहा है। और इसके अलावा काफ़ी सारे जो पर्यटक हैं
घूमने वाले हैं वो लोग आते हैं यहाँ कि ये प्राकृतिक नज़ारों के बीच खूबसूरत सा वाटरफॉल है सिरपुर का। ये देखिए सामने एक बड़ा सा जो चट्टान दिखाई दे रहा है आपको, वहीं से गिरता है पूरा वाटरफॉल। सिरपुर का धसकुंड वाटरफॉल है ये। वाटरफॉल का जो पानी है वो बहते हुए आ रहा है, वो पानी का आवाज़ आप सुन सकते हैं और वो पानी आपको दिखाई दे रहा है। ये सामने बड़ा सा चट्टान है, इसी चट्टान से बहते हुए पूरा आता है पानी। अभी फ़िलहाल वाटरफॉल में पानी तो नहीं है कि ये बरसाती झरना है, बरसात के टाइम यहाँ बहुत ज़्यादा पानी रहता है। फिलहाल पानी कम दिखाई दे रहा है। ये देखिए दोस्तों सामने बड़ा सा चट्टान और इसी चट्टान से गिरता है वाटरफॉल। और चलते हैं सामने में और आपको सामने से दिखाते हैं नज़ारा। हल्का हल्का पानी, बहुत कम ही मात्रा में पानी दिखाई दे रहा है और नीचे पानी भरा हुआ है गड्ढा में। बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आए हैं, घूमने के लिए। और इसी चट्टान से गिरता है वाटरफॉल क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लगता है। अभी मैं रायपुर में रहता हूँ भैया। नहीं नहीं, तो दोस्तों आज हम लोग आए थे धसकुंड वाटरफॉल कवर करने के लिए और हमारे चैनल के सब्सक्राइबर भाई लोग मिले हैं। क्या नाम है भैया आपका? रुपेश जंघेल। रुपेश जंघेल पहली बार आए हैं क्या? और आ चुके हैं? मैं पहली बार आया हूँ। अच्छा, तो देख सकते हैं गाइस काफ़ी खूबसूरत वाटरफॉल है। और वाटरफॉल में अभी पानी जो है वो कम है, हल्का हल्का पानी चल रहा है। बारिश के टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी रहता है क्योंकि ये एक तरह से बरसाती झरना है, इसलिए यहाँ पर बारिश के टाइम बहुत ज़्यादा पानी रहता है। फिलहाल आप देखेंगे तो हल्का हल्का जो पानी है वो गिर रहा है ऊपर से। देखिए मछली भी है, हल्का हल्का पानी गिर रहा है, आप देख सकते हैं पानी का आवाज़ भी सुन सकते हैं। जब वाटरफॉल गिरता है बरसात के टाइम तो देखने लायक रहता है। इधर आप देख सकते हैं एक कुंड जैसा है, इस कुंड में वाटरफॉल का पानी आके जमा हो जाता है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। अभी भी आप देख ही सकते हैं बहुत सारे लोग आए हुए हैं पिकनिक मनाने के लिए। पिकनिक मनाने के लिए आ सकते हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है, एकदम पैसा वसूल वाला जगह है। आप आ सकते हैं यहाँ पिकनिक मनाने के लिए। पूरा चट्टानी चट्टान है भाई, ट्रैकिंग करके जाना पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए गाइस वाटरफॉल का पानी हल्का हल्का गिर रहा है, चट्टान से निकल रहा पानी। ये देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लेस है दोस्तों। यहाँ पर आप पिकनिक मनाने की बात करूँ तो पिकनिक मनाने के लिए सबसे बेस्ट जगह है और पैसा वसूल है और रायपुर से बहुत ही पास है। तो आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय हिंद, जय छत्र। वीडियो बनाने के चक्कर में क्या हो गया, हेलमेट टूट गया मेरा, 2000 रुपये का हेलमेट है। अरे